हेलो दोस्तों, रेसिड्यू पे आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है रेसिड्यू निकालने में। तो थ्योरम इस प्रकार से, इफ़ एफ जेड इज फॉर्म, एफ जेड बराबर फाई जेड या एच जेड या अपॉन साई जेड और जी जेड। तो हमने देखिए, जो भी फॉर्म होती है तो हमने वो इस तरीके के रूप में लिख ली है। जो फॉर्म होती है ये किस में होती है? रेशनल के फॉर्म में होती है। जनरली जो एफ जेड हमारा क्या रेशनल के ही फॉर्म में दे रखा, कभी कभी रेशनल के फॉर्म में नहीं दे रखा होता, उसे हम बना लेते हैं। तो या तो वो फाई जेड अपन साई जेड के फॉर्म में देगा या एच जेड अपन जे जेड के जी जेड के फॉर्म में देगा, ये वाली फॉर्म। तो जहाँ हमारा जो फाई जेड नॉट या जी जेड नॉट, ये वैल्यू हर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू जेड नॉट पे क्या होनी चाहिए? वो जीरो होनी चाहिए और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो नहीं होना चाहिए। पहली बात ये एक कंडीशन है। उसके बाद अगर हम अंश में जेड नॉट की वैल्यू रखते हैं, उसकी भी वैल्यू क्या है? जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो जेड नॉट होगा तो एक सिंपल पोल होगा। तो यहाँ पे जो एक सिंपल पोल दे रखा है, ऑलरेडी हमने सिंपल पोल का एक थ्योरम पढ़ा था, फार्मूला निकाला था, उसी का यूज़ करके ये रिलेशन फाइंड करेंगे। इसमें टेलर थ्योरम यूज़ की जाएगी। तो यहाँ जेड नॉट जो एक सिंपल पोल जो डिफाइन किया गया है, वो इसकी बेसिस पे डिफाइन किया गया है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जेड नॉट इज ए सिंपल पोल। ये कब होगा? जब हमारी साई जेड नॉट बराबर क्या होगा? जीरो होगा, और साई डैश जेड नॉट जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। हमने एक वैल्यू ले ली फर्स्ट वाले फंक्शन की, तो उस पर हमारा जो भी लिमिट होगा, जो भी हमारा जो पोल निकल के आएगा जेड, अगर उस पर जो है फर्स्ट जो उस पर वैल्यू रख देंगे, अगर वो जीरो हो जाती है और फर्स्ट डेरिवेटिव उसका जीरो नहीं आता, तो पोल हमारा कैसा होता? सिंपल होता। तो उस पर ये रेसिड्यू का जो है फार्मूला है, रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट बराबर फाई जेड नॉट अपॉन साई जेड नॉट या एच जेड नॉट अपॉन जी डैश जेड नॉट। ये इस फॉर इस तरीके से भी है, क्या लिमिट जेड बराबर जेड नॉट रख दी। तो पहले वाले का यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो अंश वाला जो पार्ट होता है वो एजिटेड रखा, लिमिट रख दी जाती है जेड नॉट की, जो हमारा जो सिंपल पुल होता है। और नीचे वाले क्या करते हैं? डेरीवेट करते हैं, तब उसके बाद उसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम पढ़ेंगे प्रूफ। तो हम एफ जेड ले लेते हैं जो हमारी फॉर्म में था, ये फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में हम ले लेते हैं एक फॉर्म में, उसी के बेसिस पर दूसरी फॉर्म का फार्मूला लिख देंगे। तो जहाँ हमारा जो दे रखा था फाई जेड नॉट, वो क्या है? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और साई जेड नॉट ये क्या है? जीरो के बराबर होनी चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी कंडीशन होगी तो हमारा क्या होगा? जेड नॉट इज सिंपल पोल। तो जेड नॉट ये हमारा क्या है? सिंपल पोल है। तो रेसिड्यू जो है फार्मूला होता है सिंपल पोल के लिए, एफ कॉमा जेड नॉट लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। चूँकि एफ जेड हमारा इस वाली फॉर्म में, तो यहाँ रखेंगे। तो लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट और ये फाई जेड अपॉन साई जेड, ये हमने यहाँ रख दी। तो अब हम फाई जेड और साई जेड की जो है टेलर सीरीज निकालेंगे अबाउट जेड बराबर जेड नॉट पे, का यहाँ फार्मूला रखेंगे उसका। तो देखिए, ये फार्मूला होता है टेलर सीरीज का, ये हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ हमने फाई जेड लिया तो, अरे यहाँ एफ जेड लिया तो यहाँ क्या फाई जेड के लिए, तो यहाँ फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाई जेड, इसी प्रकार साई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं रेसिड्यू एफ कॉमा जेड नॉट बराबर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये फाई जेड नॉट इज प्लस जेड माइनस जेड नॉट और फाई डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर फाई डैश डबल डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट डॉट ये इन्फिनिटी अपॉन, इसी प्रकार साई जेड के लिए, तो साई जेड नॉट
प्लस जेड माइनस जेड नॉट साई जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और ये साई डबल डस जेड नॉट प्लस डॉट डॉट ये इन्फिनिटी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम कंडीशन यूज करेंगे। देखिए कंडीशन ये दे रखी है कि साई जेड नॉट की वैल्यू क्या है, वो जीरो है, जबकि फाई जेड नॉट की वैल्यू क्या है, वो जीरो नहीं है। तो ये तो जीरो नहीं है, तो ये जीरो है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू जीरो रख देंगे। तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट ये फाई जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट फाई डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर फाई डबल डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट डॉट अपॉन ये जीरो प्लस जेड माइनस जेड नॉट फाई डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर साई डैश साई डबल डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इसमें क्या है, जेड माइनस जेड नॉट नीचे वाले से कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए हमने प्लेन लिख लिया और जेड माइनस जेड नॉट नीचे वाले से कॉमन ले लिया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये तो कॉन्स्टेंट ही है फाइव जेड नॉट, तो यहाँ पर रखेंगे ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएंगे टर्म जीरो हो जाएंगे, इसी प्रकार ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो रेसिड्यू एफ कोमा जेड नॉट बराबर, तो ये फाई जेड नॉट अपॉन साई डैश जेड नॉट आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या सभी वैल्यू क्या जाएंगे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, लिमिट रख देंगे। तो फाई जेड नॉट अपॉन साई डैश जेड नॉट, तो ये रेसिड्यू एफ कोमा जेड नॉट बराबर, इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं फाई जेड अपॉन साई डैश जेड और ये वर्टिकल लाइन जेड बराबर जेड नॉट। अगर हमारा एच जेड और जी जेड के फॉर्म हो तब भी हमारा यही वाला फार्मूला रहेगा, रेसिड्यू एफ को हमारा जेड नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच जेड एच जी डैश जेड और ये जेड बराबर जेड नॉट, या एच जेड नॉट अपॉन जी डैश जेड नॉट, दोनों ही फॉर्म में मिल सकते हैं ये फार्मूले, एच जेड अपॉन जी जेड के फॉर्म में मिलेगा हमें एफ जेड, या फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में मिलेगा। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम इस फार्मूले पे लगाएंगे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड बराबर 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस आई एट जेड बराबर आई। तो हमें जेड बराबर आई पर इसका रेसिड्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम सॉल्यूशन, तो जेड बराबर आई, तो बेसिकली ये जो पोल है यहाँ के दो पोल, तीन पोल होंगे, जेड बराबर जीरो पे दो पोल और जेड बराबर आई पे वन पोल होगा। तो हम जो फार्मूला हमने पढ़ा है ये किस में है, रेशनल के फॉर्म में है। तो ये देखिए एफ जेड बराबर एक अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस आई, तो ये किसके फॉर्म में है, फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में। तो फाई जेड हमारा हो जाएगा वो है वन और साई जेड हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस आई। तो अब चेक कर लेते हैं ये सिंपल पोल है कि नहीं, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो फाई आई बराबर क्या है वन, ये जो है नॉट इक्वल टू क्या है जीरो है, इसमें रखेंगे साई आई बराबर तो आई स्क्वायर और ये आई माइनस आई ये क्या हो जाएगा जीरो। इसका डेरिवेट करते हैं तो साई डैश जेड बराबर, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगा देते हैं, तो ये जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस जेड माइनस आई इंटू टू जेड, इस पर जेड बराबर आई रख देते हैं, तो साई डैश आई बराबर
ये आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई माइनस आई इंटू टू आई, तो ये तो जीरो हो जाएगा और क्या है ये माइनस वन हो जाएगा। तो ये साई डैस आई बराबर क्या हो गया माइनस वन हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू क्या है जीरो, तो हमारी फुलफिल कंडीशन कर रही हैं। तो ये हमारा जेड बराबर आई क्या है इज ए सिंपल पोल, क्यों कि फाई आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, साई आई इक्वल टू जीरो और साई डैस आई इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, तो रेसिड्यू एफ को हम आई बराबर ये फाई जेड नॉट अपॉन साई डैस जेड नॉट बराबर, तो फाई जेड नॉट की वैल्यू क्या है वन है अपॉन साई डैस जेड नॉट, तो हमने साई डैस जेड नॉट की वैल्यू यहाँ पर निकाल भी ली है ये, तो यहाँ जेड नॉट की वैल्यू कितनी है आई, तो यहाँ रख देंगे फाई आई अपॉन साई डैस आई, तो इसकी वैल्यू है वन और साई डैस आई की वैल्यू क्या है ये हमने निकाली यहाँ पे वो है माइनस का वन, तो यहाँ रख देंगे तो ये क्या जाएगा माइनस का वन आ जाएगा। तो रेसिड्यू एफ कॉमा आई बराबर क्या आ गया माइनस वन, ये आ गया आंसर। जो सेकेंड मेथड था हमारा जो सिंपल फार्मूला था रेसिड्यू एफ कॉमा आई बराबर लिमिट जेड टेंड टू आई और जेड माइनस आई इंटू एफ जेड की वैल्यू है एक अपॉन जेड स्क्वायर और जेड माइनस आई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा वैल्यू रख देंगे एक अपॉन आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो रेसिड्यू एफ कॉमा आई बराबर हो जाएगा माइनस का वन। देखिए ये किससे निकाला गया सिंपल पोल से, सीधे डायरेक्टली फार्मूला से निकाल लिया, वो भी सिंपल पोल का फार्मूला वो आंसर हर वाली फॉर्म में अब दे रखा होता है, ये किसी भी फॉर्म के लिए है कि अगर वो क्या है एक पोल आ रहा है तो वो लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।